मुंबईत आयोजित 8व्या थिएटर ऑलिम्पिक महोत्सवाचा समारोप झाला. देशभरातून आलेल्या कलाकारांनी आपला कलाविष्कार या महोत्सवात सादर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अभिनेते नाना पाटेकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर मोहन आगाशे या मान्यवरांनी या समारोप सोहळ्याला हजेरी लावली. रंगकर्मींसाठी अनोखी मेजवानी ठरलेल्या नाट्यसृष्टीच्या या महाकुंभ मेळ्यासाठी एक स्वप्न पूर्ण झाल्याची प्रतिक्रिया नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे संचालक डॉक्टर वामन केंद्रे यांनी यावेळी व्यक्त केली. विश्व का सबसे बड़ा नाटक मेला उत्सव कहाँ हुआ है? तो इस हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है और मुंबई शहर में हो रहा है. तो मुझे लगता है कि आज पूरे भारतवर्ष के रंगकर्मियों ने, नाटक वालों ने और दर्शकों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि हम भी 8वां थिएटर ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिक सिद्ध करके सक्सेसफुल बना के दिखा सकते हैं, दिखा दिया है. दरम्यान सभेत ओरडून भाषण न करण्याचा सल्ला आपल्याला कोणी दिला होता याचं गुपित यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उघड केलं. पाहूया नेमकं मुख्यमंत्री काय म्हणाले ते. कई लोग ये विचार कर रहे होंगे कि मेरी आदत तो चिल्ला चिल्ला कर भाषण करने की है और आपने देखा होगा मैं कुर्सी पर बैठा था तो नाना मुझे कुछ कह रहे थे. तो नाना मुझे यही कह रहे थे कि जरा शांति के साथ भाषण कर रहे. और जब भी मैं जोरों से भाषण करता हूँ तो रात को 12 बजे नाना जी का फोन आता है कि जरा अपने गले को संभालो और थोड़ा वॉइस नीचे लो. तो इसलिए मैं आज उनको पूछना चाहता हूँ कि मैं आज की टेस्ट में पास हुआ हूँ या नहीं. श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.